अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एडवांस अर्नर्स क्लास 3 मैथ। अब हम बुक से काम शुरू कर रहे हैं। जो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन हम तो टेबल्स का यूज़ भी कर चुके हैं। हम लोग जो है वो जो आज आप करेंगे स्किपिंग, आज नहीं शायद वो अगले लेक्चर में आएगा, स्किपिंग द डिजिट के 2 को स्किप करना है या 1 को स्किप करना है। इसलिए आपको अब पेज अगर ज़्यादा महसूस हों तो आप जो है वो काम आपका उतना ज़्यादा नहीं है। आपकी होम असाइनमेंट अलग दिया करूँगा, वो बुक से जो बुक का काम है वो अलग होगा। होम असाइनमेंट आपने जो है वो सॉल्व करनी है किसी पेज पे और अपनी जो है वो ब्रांच में सबमिट करवानी है। वो जब आपकी कुछ चेक ज़्यादा हो जाएंगी, एक फ़ाइल बन जाएगी तो आपको वापस मिलेगी। इट्स ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जो आज के हैं। आपके पेज 1 पे जो है यूनिट 1 है, पेज 3 से शुरू हो रहा है, राइट नंबर नेम इन बॉक्सेस। मैं आपको बताता हूँ कि नंबर नेम का मतलब है कि जैसे 84 है, अगर 84 लिखा हो तो आपने इसको जो है वो वर्ड्स में लिखना होगा। EIGHTY 84 ये वर्ड्स में लिख दिया, ये जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू या आप डिजिट्स में कह लें। अगर 70 मैं खुद जो है वो यहाँ पे दे दूँ तो आपने जो है वो इसको SEVENTY 70 जो है वो लिखना है। ऐसा से अगर ये 70 स्पेलिंग्स में दिया हो तो आप इसको 70 डिजिट में लिखेंगे। ऐसा से 84 अगर ऐसे दिया हो तो आपने 84 डिजिट में लिखना है। ये होम असाइनमेंट में एक मैंने जो है वो डिजिट लिखा है, आप एक यहाँ पे इसको जो है वो वर्ड्स में लिखेंगे। एक मैंने वर्ड्स में लिख दिए, आप इसको डिजिट में लिखेंगे। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आप यूँ कह लेंगे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ना या कम से ज़्यादा की तरफ जाना। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं 43, 36, 29, 60। इसमें देखना है कि सबसे पहले वो लिखना है जो सबसे कम है। इनमें से देखिए ये 29 है, उसके बाद 36 है, फिर 43 है, फिर 60 है। अब जो इनका ऑर्डर है वो असेंडिंग का आ गया, कम से ज़्यादा की तरफ। इससे इसके अपोजिट एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जंबलिंग शेप में लिखा हुआ है 77, 45, 89, 84। तो हम पहले 89 जो है वो सबसे इसमें ज़्यादा, 90s वाला कोई है नहीं, 80s में से 2 हैं, 89 पहले लिखा, फिर 84, फिर 70s में 77 है, फिर ये सबसे कम इसमें जो है 45 है। आपका अगली जो एक्सरसाइज है उसमें 9 तक टेबल यूज़ होने हैं। आपने 6 तक टेबल याद कर लिए हैं, 7 का टेबल आपने जो है वो लिखना भी है और लर्न भी करना है, और जितने पिछले टेबल्स हो चुके हैं उनको भी आपने डॉजिंग में याद रखना है। मसलन आपने टेबल याद किया है तो अचानक 7, 8, 56 आपको पता होना चाहिए, 7, 5, 35, 7, 3, 21, 7, 4, 28 यहाँ पर जो है वो लिखना था। मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ, 7, 4, 28 ये रिपीट हो गया, 7, 4, 28, 7, 6, 42, 7, 7, 49, 7, 8, 56 एंड 7, 9, 63, 7, 10, 17। अब मैं आपकी जो बुक्स हैं जो उस पर आपकी बुक पे जो ये दिया हुआ है मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। आप ज़रा बुक को जो है वो देखिए, पेज खोलें, आप देखें पहले सबसे जो है वो आपका पेज नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 हमें सॉल्व करना है। पेज नंबर 3 ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 10s and 5। इसका मतलब 10 की जगह पे 4 लिखें और 5 लिखें, 5 10s, यानी 5 10s की जगह पे लिखें। इस साइड पे जो है वो 1s होते हैं, इधर 10s होते हैं, इसको यूनिट भी कहते हैं और इसको 10 कहते हैं, इसको यूनिट भी कहते हैं और 1s भी कहते हैं। 5 10s and 0 यूनिट्स 50, 8 10s 8 and 89। इस तरह से आपने इसको जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, और साथ इनकी जो है वो ये 45 है, 45 यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने, ये 50 है तो 50 लिखें, ये 89 है, 89, 21, 68 यहाँ पे स्पेलिंग के साथ, ये 17 यहाँ पे लिखें, ये 36, ये 94 और ये 72। इसी तरह से यहाँ पे 39 दे दिया है तो आपने इसको डिजिट में लिखना है। 47 ये देखें स्पेलिंग के साथ, 90 इनको जो है वो आपने लिखना है। ये सेम इसी तरह से आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। यहाँ पे आप जो है वो ये सादा सा एक है, इसमें बताने की मैंने वहाँ पे नहीं बताया, कम्स और बिफोर है। 47 से पहले क्या आता है, 46,
100 से पहले 99, ये सबसे फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है। ये बाद में क्या आता है 18, 17 के बाद 23 के बाद 24, 39 के बाद, यहाँ पे गलत लिखा गया है किसी बच्चे ने लिखा हुआ है ये 40, 99 के बाद 100, 74 इसको जो है वो फिर बाद में दरमियान में क्या आता है 19, 20, 21, 45, 46, 47, ये आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है। ये एक आपका जो है वो आज का लास्ट पेज है जिसमें आपने जो है वो ये देखना है कि असेंडिंग में जो है वो लिखना है 29 to 38, आपने जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ लिखना है। ये राइट इन नंबर डिसेंडिंग 48 to 40, उल्टा जो है वो पहले ज़्यादा फिर कम, मैंने जंबलिंग में दिया था, यहाँ पे तरतीब से दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है, ये आप सॉल्व करके लाएंगे।